this one is skull, and here is the right infratemporal region where mandibular nerve lies. ये हम लोग right mandibular nerve की बात कर रहे हैं. Mandibular nerve, which is the branch of trigeminal nerve. There are three branches of the trigeminal nerve: ophthalmic, maxillary and mandibular. Ophthalmic and maxillary are pure sensory, whereas the mandibular is mixed one, that it has got motor component as well as sensory component. अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं, this one is inside the cranial cavity. Here is the anterior cranial fossa, this one is middle cranial fossa, and here lies the posterior cranial fossa. Motor component को ये मैंने reddish brown color से दिखाया है और sensory component को white color से. Motor component जो कि command देता है, ये start होता है motor nucleus से जो कि pons में रहता है, just medial to the sensory nucleus. Motor component की जर्नी कहाँ से start होती है? Motor nucleus से, which lies medial to the sensory pontine nucleus. यहाँ white से है, sensory pontine nucleus, ठीक है, ये जो कि sensation लाता है. White color में जो है, that is sensory component जो sensation ला रहा है. Mandibular region of the face से वो sensory component यहाँ पे लाता है, ठीक है. तो ये ऊपर वाली जो यहाँ पे जा रही है मिडब्रेन में, दिस इज मेसेनकेफेलिक न्यूक्लियस. यहाँ पे प्रोप्रायोसेप्टिव सेंसेशन आती है. पोंटाइन न्यूक्लियस, यहाँ पे फाइन टच, एंड यहाँ पे स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल रहता है अप टू द सेकेंड सर्वाइकल सेगमेंट, स्पाइनल सेगमेंट. यहाँ पे जो होती है वो होती है पेन, टेम्परेचर एंड क्रूड टच. ये सेंसेशन यहाँ पे एंड अप होती है, और स्टार्ट कहाँ से होती है? मैंडिबुलर रीजन ऑफ द फेस से, ठीक है. और जबकि मोटर कंपोनेंट होते हैं वो स्टार्ट ही होती है, क्योंकि इसे कमांड देना होता है. ये ब्रेन टू पेरिफेरी जा रही होती है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है? मोटर न्यूक्लियस से, विच लाइज मीडियल टू द सेंसरी पॉन्टाइन न्यूक्लियस. सो मोटर न्यूक्लियस लाइज इन अ पॉन्स. अब देखिए जर्नी स्टार्ट हो रही है. ये मीडियल है ना, वो रेडिश ब्राउन जो है, ये वाइट वाले की मीडियल है. ये यहाँ पे ये जो है सेंसरी ट्राइजेमिनल मेकेलस्केप में ये ट्राइजेमिनल गैंग्लियन रहता है वो है, और ये यहाँ पे मोटर कंपोनेंट है, मोटर, ठीक है, जो इसके मीडियल में है. अब दोनों ही मिलके, चूँकि मैंडिबुलर नर्व एक मिक्स्ड नर्व है, यहाँ फोरामेन ओवल से ये देख रहे हैं हम लोग, ये बाहर आ रहा है, ठीक है, ये बाहर आ रहा है. यहाँ मैंने रेडिश ब्राउन से मोटर कंपोनेंट के दिखाया है और वाइट से सेंसरी कंपोनेंट को. तो यहाँ पे जहाँ मेरा निप गया है, दैट इज़ द मेन ट्रंक. ये फोरामेन ओवल हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे निकला, यहाँ पे ओटिक गैंग्लियन रहता है, ठीक है, उसको गुजर रहा है, ठीक है, ओटिक गैंग्लियन से, ओके. तो ये जो है मेन ट्रंक है, इसमें 3:1 का फॉर्मूला होता है. मेन ट्रंक से यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं, ये जो है ये एंट्रियली रन कर रहा है. तीन मोटर और एक सेंसरी कंपोनेंट होती है. ये सेंसरी कंपोनेंट है, ये वाली जो मैं टच कर रही हूँ. दिस इज़ द रिकरेंट मेनिंजियल नर्व. और मोटर कंपोनेंट क्या है? ये तीन है, ये ऐसा आगे बढ़ के ये पीछे की तरफ गया है. दिस इज़ टेंसर टिम्पैनी, मसल टू टेंसर टिम्पैनी. टेंसर टिम्पैनी इज़ द मसल ऑफ मिडिल ईयर कैविटी. तो ये ऐसा रेट्रोग्रेड जाता है, ठीक है. और ये टेंसर पैलेटाई, पैलेट पे टेंसर मसल होता है, टेंसर पैलेटाई. और ये हो गई नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड, ठीक है. तो तीन मोटर ब्रांच हुए मेन ट्रंक से, और एक सेंसरी, दिस वन जो वाइट कलर से है, ये फिर ऊपर एक इस छेद से घुस गया, डैट इज फोरामेन स्पाइनोसम. और इस नर्व का क्या नाम है? नर्वस स्पाइनोसस या रिकरेंट मेनिंजियल नर्व, ठीक है. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये फोरामेन स्पाइनोसम है, फोरामेन स्पाइनोसम. यहाँ से वो फिर अंदर आ जाता है और मेनिंजेस ऑफ द मिडिल क्रैनियल फोसा से सेंसेशन लेता है. वाइट कलर का है ना, तो वो सेंसेशन ले रहा है, ओके. अब हम लोग क्या देखते हैं,
कि ये मेन ट्रंक फिर दो डिवीजन देता है, ये एंट्रियली रन कर रहा है ना, एंट्रियली जिधर नोज है ये एंटीरियर एस्पेक्ट है, तो ये एंटीरियर डिवीजन हो गए और ये पोस्टीरियर डिवीजन है। तो एंटीरियर डिवीजन में फिर तीन मोटर ब्रांच होते हैं, ये एक हो गई रेडियस ब्राउन से दिखाया मैंने, एक हो गया दो और ये तीन। तो तीनों मोटर ब्रांच जो होते हैं वो मसल्स ऑफ मास्टिकेशन को जा रहे हैं। हम लोग यहाँ देख रहे हैं मेन ट्रंक से मीडियल टेरिगॉइड को सप्लाई हो गया है, तो और कौन बचा, लैटरल टेरिगॉइड हो गया, टेम्पोरैलिस हो गया, मैसेटर, ये नीचे जा रहा है ना, ये मैसेटर को जा रहा है, फिर टेम्पोरैलिस और यहाँ पे लैटरल टेरिगॉइड, इन दोनों को जा रहा है एंटीरियर डिवीजन से। और एक सेंसरी पार्ट भी है, ये वाइट वाली आ रही है ना सेंसरी कंपोनेंट, तो ये क्या हो गई, लॉन्ग बकल नर्व, लॉन्ग बकल नर्व, ठीक है, जो कि बकल मिकोसा से सेंसेशन रिसीव करती है। अब आ जाते हैं हम लोग पोस्टीरियर डिवीजन, ये पोस्टीरियर डिवीजन, तो इसमें ये मोटर कंपोनेंट जो होते हैं वो एक होता है और सेंसरी तीन होते हैं, 3:1 का रेशियो होता है मैंडिबुलर नर्व में, तो पोस्टीरियर डिवीजन में भी 3:1, लेकिन तीन सेंसरी और एक मोटर डिवीजन है। तो ये तीन सेंसरी हम लोग क्या देख रहे हैं, अली, ये जो हो गई ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, दिस वन इज ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, ये वाली, और ये यहाँ पे ये हो गई इन्फीरियर एल्वियोलर, और ये इतने लंबे आगे होके जाती है यहाँ पे लिंगुअल नर्व, ठीक है, अली, ए ऑरिकुलो, एल लिंगुअल एंड आई इन्फीरियर एल्वियोलर, जो कि फिर इंसेसिव एंड मेंटल में बढ़ जाती है, उस रीजन से सेंसेशन रिसीव कर रही है। और ये एक डिवीज़न है यहाँ पे, ये जो है मोटर का एक डिवीज़न है जो नर्व टू माइलोहायोड, जो कि थोड़ा आगे जाके वो फिर दो में बढ़ जाता है, एक नर्व टू एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक, वहाँ पे कमांड देने चला जाता है, और एक जो है नर्व टू माइलोहायोड हो गया, नर्व टू माइलोहायोड और नर्व टू एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक, ये दोनों ही फ्लोर ऑफ माउथ बनाते हैं, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर डिवीज़न हो गए, हम लोग क्या देख रहे हैं, मेन ट्रंक, एंटीरियर डिवीज़न, पोस्टीरियर डिवीज़न, सब में 3:1 का रेशियो है, मेन ट्रंक में तीन मोटर एक सेंसरी, एंटीरियर डिवीज़न में भी तीन मोटर एक सेंसरी, लेकिन पोस्टीरियर डिवीज़न में तीन सेंसरी और एक मोटर है। तो मेन ट्रंक में तीन मोटर कौन सा है, नर्व टू टेंसर टिम्पैनी जो पीछे की ओर गया है, नर्व टू टेंसर पैलेटाई एंड नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड, और एक सेंसरी कौन है, ये दिस वन इज नर्वस स्पाइनोसस या रिकरेंट मेनिंजियल नर्व, ओके, जो फोरामिन स्पाइनोसम से होता हुआ फिर मिडिल क्रैनियल कैविटी में आ गया है। और एंटीरियर डिवीज़न में कौन सा हो गया, तीन जो है जो मसल्स ऑफ मास्टिकेशन को जा रहे हैं, नर्व टू लैटरल टेरिगॉइड, नर्व टू मैसेटर एंड नर्व टू टेम्पोरैलिस, और एक सेंसरी कंपोनेंट है जो कि लॉन्ग बकल नर्व। और पोस्टीरियर डिवीज़न देख लेते हैं, तो पोस्टीरियर में तीन 3:1 होगा ना, तो थ्री क्या है, सेंसरी है कंपोनेंट, कौन कौन, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, एल से लिंगुअल और आई से इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व, ठीक है, और एक मोटर कौन सा पार्ट हो गया, नर्व टू माइलोहायोड, जिससे नर्व टू एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक भी निकल जाता है, जो कि फ्लोर ऑफ माउथ बना रहे हैं। सो दिस वन ऑल अबाउट द मैंडिबुलर नर्व, थैंक यू।